मेरा कहना है कि देखो अभी तक की जो अपनी रणनीतियां हैं उन सबको बदलने की जरूरत है, चाहे किसान आंदोलन के माध्यम से वो 3 ऑर्डिनेंस वापस हो गए हों, लेकिन वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। सही बात है। तो देखिए इसमें मेरा मानना ये है कि परिवार में एक बच्चा उद्दंड होता है और बहुत उठापटक करता है तो माँ बाप क्या करते हैं उसके लिए? हाँ, उसको कुछ उसके चटपटी में 5 थप्पड़ लगाते हैं और उसको कमरे में बंद कर देते हैं। जब बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा उत्तीर्ण हो जाए और माँ बाप को ही थ्रेटन करने लगे तो बात अलग है, लेकिन जब तक जो है ना माँ बाप की चलती है तो ऐसे ही करते हैं। करते कि नहीं करते? बिल्कुल। तो हम जो है इस तरीके की गतिविधियां करके अपने ऊपर केस रजिस्टर कराने का, अपने ऊपर लाठी चार्ज करने का, अपने ऊपर गोली चलाने का तरीका पैदा कर रहे हैं, नहीं? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। अभी जो मोदी जी ने सिखाया है उसको करने से ज्यादा फायदे मुझे दिखते हैं। नहीं, सही बात। मुझे ये लगता है कि हम सबको बहुत दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके करोड़ों में क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल को पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब इतने लोग सब्सक्राइब करेंगे फिर आप डिबेट करिए, पॉलिसी मैटर्स आइडेंटिफाई करिए और कहिए कि साहब इसको 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मुझे इस पे चाहिए, नहीं तो फिर हम जो है घर के बाहर तो निकलेंगे नहीं। जो कुछ भी करेंगे वो थाली बजा के, दीपक जला के, काली पट्टियां दिखा के, काले झंडे दिखा के करेंगे। और बहुत ही ज्यादा यदि प्रोटेस्ट होगी तो होगी कि अपने ना तो जो है नेताओं के काले अंग्रेजों के कार्यक्रम में जाएंगे, ना किसी काले अंग्रेज को बुलाएंगे, चाहे वो जो है सत्ता का दुरुपयोग करके और गलत ढंग से सैंक्शन करके और अपना वो करके, चाहे वो आने जाने की फ्री बसें भेजे, चाहे जो है नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कराए और ऊपर से 500 रुपए दे तो भी नहीं जाएंगे। सही बात है। और यदि जो है आप ये बताइए, यदि ये कल्पना करिए कि आज जो है यदि करोड़ों की संख्या में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का जो है ना फैलाव हो जाता है और हम डिबेट करके इश्यूज आइडेंटिफाई करके यदि हम हर 3 महीने का टारगेट गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये सही बात है। और यदि वो नहीं ऐसा नहीं करती है तो वो नहीं रहेगी जिसका उसे गुमान है। ये सही बात है। और मेरा ये भी मानना है कि हमें 2024 का इंतजार नहीं करना चाहिए। 21-24 इज द गोल्डन पीरियड। चुनी हुई सरकार पूरे बहुमत के साथ है, आप जो मैं कह रहा हूं वो करिए, नहीं तो आपको ध्वस्त कर देंगे और रोड पे उतरेंगे नहीं, राइट? यदि प्रोटेस्ट करेंगे तो 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। नहीं तो हम लोग को तो मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है अपने साथ और उसके बाद फिर ओपिनियन नहीं, लेकिन वो युद्ध गति से करना होगा। मतलब क्या हम अगले 1 महीने में कई करोड़ों में पहुंच सकते हैं? क्या पैसे नहीं खर्चवाना है? क्या दिक्कत है? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो बस भर जाइए, फिर अपन अगली बात पर करेंगे। जो टेक्नोलॉजी अपन जो 53 यूनिवर्सिटीज के साथ बच्चों से करा रहे थे, क्या हम डोनेट करके, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की बात है? हम उतना पैसा इकट्ठा करके साला 3 महीने में उसे खड़ा करके अकाउंटेबल सिस्टम क्यों ना बना रहे? बिल्कुल उस पर ही फोकस करना। हाँ, मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा है और सरकार से कुछ मांगने नहीं जाएंगे। सही है ना? तो मनोज जी आज से बढ़ जाइए और बिल्कुल। एक तो प्रभावशाली लोगों की सूची बनाइए, एक अपना खुद का इसी लाइन पे अपील करते हुए खुद का वीडियो बनाइए और अपने प्रभाव क्षेत्र को भेजिए कि अभी तत्काल जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट? और एकदम इस पे कर दीजिए कि 1 महीने के अंदर 1 करोड़ों में पहुंचना चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, राइट? तो इसी संकल्प के साथ जो है आज नई शक्ति के साथ बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय